हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और नए वीडियो पे। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे ठीक होंगे। तो देखिए, आज के वीडियो पे हम बात करने वाले हैं 25 तारीख के लिए कल्याण के लिए गेम के बारे में बात करेंगे और गेम देखेंगे, जो कि यहाँ पर देखिए तारीख रहेगा 25/10/24 के लिए। तो देखिए 25 तारीख के लिए भी गेम बहुत ही अच्छा होने वाला है, तो इसीलिए आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर लास्ट तक आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। वीडियो को आप लोग स्किप मत कीजिएगा। लेकिन उससे पहले देखिए थोड़ा सा एक बात करना चाहूँगा कि देखिए आप लोगों को पता है कि एक दो हफ्ते से मिस पे मिस हो रहा है। अभी मैं भी आप लोगों को क्या ही बोलूँ, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और मुझे पता है कि आप में से बहुत लोग बहुत उदास हो गए होंगे, बहुत नाराज़ हो गए होंगे, और एक दो हफ्ते से ऐसा हो रहा है। अभी मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है ऐसा क्या हो रहा है। अगर आप लोग रेगुलर वीडियोस को देखते हो, आप लोगों को पता होगा ही कि ऐसा कभी हुआ नहीं है, ठीक है? ये पहली बार ऐसा हुआ है, आप लोगों को पता होगा ही। अभी बस एक ही बात बोलना चाहूँगा, आप लोग लाइन देखिए, OTC देखिए। अगर आप लोगों को आगे पसंद आता है तो आप लोग देख सकते हैं, अगर आप लोगों को नहीं देखना है आप लोगों के ऊपर है, ठीक है? अभी मैं आप लोगों को क्या ही और बोल सकता हूँ, बस इतना ही बोल सकता हूँ, ठीक है? और अभी आज के वीडियो में हम 25 तारीख के लिए कल्याण के लिए गेम के बारे में बात करेंगे, ठीक है? अभी देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए हम लाइन देखेंगे। तो देखिए लाइन कहाँ से देखेंगे और कैसे देखेंगे, देखिए लाइन यहाँ पर 24 तारीख के गेम से यहाँ पर लाइन देखेंगे, जो कि 24 तारीख के गेम से देखिए। सबसे पहले यहाँ पर देखिए ओपन पैनल से फर्स्ट लाइन देखेंगे, जोड़ी गेम से सेकंड लाइन देखेंगे और क्लोज पैनल से थर्ड लाइन देखेंगे, ठीक है? मतलब कि तीन लाइन के हिसाब से यहाँ पर 25 तारीख के लिए गेम के बारे में बात करेंगे और गेम देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए फर्स्ट लाइन ओपन पैनल से देखेंगे। तो ओपन पैनल को यहाँ पर साइड में और एक बार लिख लेते हैं। ओपन पैनल पे यहाँ पर देखिए क्या था, ओपन पैनल पे यहाँ पर देखिए 4, 5, 6 कांग। उसके बाद सेकंड लाइन जोड़ी गेम से देखेंगे, जोड़ी गेम को भी यहाँ पर साइड में और एक बार लिख लेते हैं। जोड़ी गेम में यहाँ पर देखिए 51 का जोड़ी गेम। उसके बाद थर्ड लाइन क्लोज पैनल से देखेंगे, क्लोज पैनल को भी यहाँ पर साइड में और एक बार लिख लेते हैं। क्लोज पैनल पर यहाँ पर देखिए 470 कांग। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए फर्स्ट लाइन ओपन पैनल से देखेंगे, सेकंड लाइन जोड़ी गेम से देखेंगे और यहाँ पर देखिए थर्ड लाइन क्लोज पैनल से देखेंगे, ठीक है? तो अभी देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए हम फर्स्ट लाइन देखेंगे, जो कि ओपन पैनल से। तो ओपन पैनल को यहाँ पर साइड में और एक बार लिख लेते हैं। ओपन पैनल पे यहाँ पर देखिए क्या था, ओपन पैनल पे यहाँ पर देखिए 4, 5, 6 कांग। तो अभी हम सबसे पहले फर्स्ट लाइन देख लेते हैं, ठीक है? तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए 4 और 5 को जोड़ेंगे, 4 और 5 को जोड़ेंगे 9 का अंक बनेगा। उसके बाद 5 और 6 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए फिर से 11 का अंक बनेगा। उसके बाद 9 और 1 को जोड़ेंगे 10 का अंक बनेगा। 10 से 0 को लिखेंगे, 1 रहने देंगे। उसके बाद 1 और 1 को जोड़ेंगे 2 का अंक बनेगा, और 1 जो रह गया था उसको लेंगे फिर से 3 का अंक बनेगा। उसके बाद देखिए जैसे कि आप लोगों को पता है 0 का वैल्यू 1, तो 1 और 3 को जोड़ेंगे 4 का अंक बनेगा। 1 और 3 को फिर से माइनस करेंगे तो यहाँ पर देखिए फिर से 2 का अंक बनेगा। तो देखिए फर्स्ट लाइन में ओपन पैनल से यहाँ पर देखिए हमें 4 और 2 का अंक देखने को मिला है, ठीक है? देखिए लाइन तो हो गया है फर्स्ट लाइन, लेकिन अभी हम इस लाइन को और एक बार चेक कर लेंगे कि लाइन कहीं पर मिस्टेक तो नहीं हुआ है, ठीक है? तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए फर्स्ट लाइन ओपन पैनल से, ओपन पैनल पे यहाँ पर देखिए क्या था, 4, 5, 6 का अंक। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए हमने हमने 4 और 5 को जोड़ा 9 का अंक बना। उसके बाद 5 और 6 को जोड़ा 11 का अंक बना। उसके बाद 9 और 1 को जोड़ा 10 का अंक बना। 10 से 0 को लिखा, 1 रहने दिया। उसके बाद 1 और 1 को जोड़ा 2 का अंक बना, और 1 जो रह गया था उसको लिया फिर से 3 का अंक बना। उसके बाद जैसे कि आप लोगों को पता है 0 का वैल्यू 1, तो 1 और 3 को जोड़ा 4 का अंक बना। 1 और 3 को फिर से माइनस किया तो यहाँ पर देखिए फिर से 2 कांग बनाए। तो फर्स्ट लाइन में ओपन पैनल से यहाँ पर देखिए हमें 4 और 2 कांग देखने को मिला है, ठीक है? तो देखिए लाइन ठीक है, लाइन कहीं पर मिस्टेक नहीं हुआ है। तो अभी हम इसको कट करके अच्छे से साइड में क्लियर करके लिख लेते हैं, जो कि यहाँ पर देखिए हमें फर्स्ट लाइन में ओपन पैनल से यहाँ पर देखिए 4 और 2 कांग देखने को मिला है, ठीक है? तो देखिए फर्स्ट लाइन हो गया, तो अभी हम सेकंड लाइन देखेंगे। तो देखिए सेकंड लाइन जोड़ी गेम से देखेंगे, तो जोड़ी गेम को भी यहाँ पर साइड में और एक बार लिख लेते हैं।
जोड़ी गेम में यहाँ पर देखिए क्या था, जोड़ी गेम में यहाँ पर देखिए 51 का जोड़ी गेम। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए हम 5 और 1 को जोड़ेंगे, 5 और 1 को जोड़ेंगे 6 का अंक बनेगा, उसके बाद 5 और 1 को फिर से माइनस करेंगे तो यहाँ पर देखिए फिर से 4 का अंक बनेगा। तो देखिए सेकेंड लाइन में जोड़ी गेम से भी यहाँ पर देखिए हमें 6 और 4 का अंक देखने को मिला है। तो देखिए सेकेंड लाइन जोड़ी गेम में क्या था, जोड़ी गेम में यहाँ पर देखिए 51 का जोड़ी गेम, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए हमने 5 और 1 को जोड़ा 6 का अंक बना, उसके बाद 5 और 1 को फिर से माइनस किया तो यहाँ पर देखिए फिर से 4 का अंक बना है। तो सेकेंड लाइन में जोड़ी गेम से भी यहाँ पर देखिए हमें 6 और 4 का अंक देखने को मिला है, ठीक है। तो देखिए लाइन ठीक है, तो अभी हम इसको भी कट करके अच्छे से साइड में क्लियर करके लिख लेते हैं, जो कि यहाँ पर देखिए हमें सेकेंड लाइन में जोड़ी गेम से भी यहाँ पर देखिए 6 और 4 का अंक देखने को मिला है, ठीक है। तो देखिए सेकेंड लाइन भी हो गया है, फर्स्ट लाइन भी हो गया है, तो अभी रह गया थर्ड लाइन। तो अभी हम थर्ड लाइन देखेंगे, तो देखिए थर्ड लाइन क्लोज पैनल से देखेंगे, तो क्लोज पैनल को भी यहाँ पर साइड में और एक बार लिख लेते हैं। क्लोज पैनल पे यहाँ पर देखिए क्या था, क्लोज पैनल पे यहाँ पर देखिए 470 का अंक। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए 4 और 7 को जोड़ेंगे, 4 और 7 को जोड़ेंगे 11 का अंक बनेगा, 11 से 1 को लिखेंगे 1 रहने देंगे, उसके बाद 7 और 0 को जोड़ेंगे तो 0 का वैल्यू 1, तो 7 और 1 को जोड़ेंगे 8 का अंक बनेगा, और 1 जो रह गया था उसको लेंगे फिर से 9 का अंक बनेगा, उसके बाद फिर से 1 और 9 को जोड़ेंगे 10 का अंक बनेगा, उसके बाद फिर से 0 का वैल्यू 1, तो 1 और 1 को जोड़ेंगे 2 का अंक बनेगा, 1 और 1 को फिर से माइनस करेंगे तो यहाँ पर देखिए फिर से 0 का अंक बनेगा। तो देखिए थर्ड लाइन में क्लोज पैनल से भी यहाँ पर देखिए हमें 2 और 0 का अंक देखने को मिला है। देखिए लाइन तो हो गया है थर्ड लाइन, लेकिन अभी हम इस लाइन को भी और एक बार चेक कर लेंगे कि लाइन कहीं पर मिस्टेक तो नहीं हुआ है, ठीक है। तो देखिए थर्ड लाइन क्लोज पैनल से, क्लोज पैनल पे यहाँ पर देखिए क्या था, 470 का अंक। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए हमने 4 और 7 को जोड़ा, 11 का अंक बना, 11 से 1 को लिखा 1 रहने दिया, उसके बाद 7 और 1 को जोड़ा 8 का अंक बना, और 1 जो रह गया था उसको लिया फिर से 9 का अंक बना, उसके बाद फिर से 1 और 9 को जोड़ा 10 का अंक बना, उसके बाद फिर से 1 और 1 को जोड़ा 2 का अंक बना, 1 और 1 को फिर से माइनस किया तो यहाँ पर देखिए फिर से 0 का अंक बना है। तो थर्ड लाइन में क्लोज पैनल से भी यहाँ पर देखिए हमें 2 और 0 का अंक देखने को मिला है, ठीक है। तो देखिए लाइन ठीक है, तो अभी हम इसको भी कट करके अच्छे से साइड में क्लियर करके लिख लेते हैं, जो कि यहाँ पर देखिए हमें थर्ड लाइन में क्लोज पैनल से भी यहाँ पर देखिए 2 और 0 का अंक देखने को मिला है, ठीक है। तो अभी देखिए तीनों लाइन हो गया है, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन और थर्ड लाइन। तो अभी हम देख लेते हैं कि कौन से लाइन से क्या क्या अंक देखने को मिला। तो देखिए तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए फर्स्ट लाइन में ओपन पैनल से यहाँ पर देखिए 4 और 2 का अंक देखने को मिला है, उसके बाद सेकेंड लाइन में जोड़ी गेम से भी यहाँ पर देखिए 6 और 4 का अंक देखने को मिला है, और थर्ड लाइन में क्लोज पैनल से भी यहाँ पर देखिए 2 और 0 का अंक देखने को मिला है। तो अभी देखिए जो हमें यहाँ पर ये तीनों लाइन देखने को मिला है, फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन और थर्ड लाइन, देखिए ये तीनों लाइन अभी भी पहला लाइन हुआ है, ठीक है। मतलब कि अभी हम इन तीनों लाइन से और एक करके लाइन करेंगे, उसके बाद जो अंक निकलेगा, उसके बाद जो अंक देखने को मिलेगा वो होगा फाइनल गेम के लिए अंक, वो जाएगा फाइनल गेम में, ठीक है। तो अभी हम इन तीनों लाइन से और एक करके लाइन करेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए फर्स्ट लाइन से शुरू करते हैं। तो फर्स्ट लाइन में ओपन पैनल से यहाँ पर देखिए हमें 4 और 2 का अंक देखने को मिला था, तो देखिए 4 और 2 को फिर से जोड़ देंगे, 4 और 2 को फिर से जोड़ देंगे तो यहाँ पर देखिए फिर से 6 का अंक बनेगा। तो फर्स्ट लाइन में यहाँ पर देखिए 6 का अंक, उसके बाद देखिए सेकेंड लाइन में जोड़ी गेम से भी यहाँ पर देखिए हमें 6 और 4 का अंक देखने को मिला था, तो 6 और 4 को फिर से माइनस कर देंगे तो यहाँ पर देखिए फिर से 2 का अंक बनेगा। तो सेकेंड लाइन में यहाँ पर देखिए होगा 2 का अंक, ठीक है। उसके बाद अभी देखिए थर्ड लाइन में क्लोज पैनल से भी यहाँ पर देखिए हमें 2 और 0 का अंक देखने को मिला था, तो जैसे कि आप लोगों को पता है 0 का वैल्यू 1, तो 2 और 1 को फिर से माइनस कर देंगे तो यहाँ पर देखिए फिर से 1 का अंक बनेगा। तो थर्ड लाइन में यहाँ पर देखिए 1 का अंक, ठीक है। तो अभी देखिए हमें तीन लाइन के हिसाब से तीन अंक देखने को मिला है, देखिए क्या क्या। सबसे पहले यहाँ पर देखिए फर्स्ट लाइन में 6 का अंक, सेकेंड लाइन में 2 का अंक और थर्ड लाइन में 1 का अंक। तो देखिए हमें तीन लाइन के हिसाब से तीन अंक देखने को मिला है, लेकिन अभी भी हमें और एक अंक चाहिए, क्योंकि हमें 4 अंक चाहिए। तो और एक अंक चाहिए, तो और एक अंक में हम क्या अंक देखेंगे, देखिए जैसे कि यहाँ पर देखिए फर्स्ट लाइन में ओपन पैनल से 6 का अंक देखने को मिला है, और 6 का फैमिली थर्ड लाइन में क्लोज पैनल से 1 का अंक देखने को मिला है, तो सेकंड लाइन में जोड़ी गेम से 2 का अंक देखने को मिला, तो 2 के फैमिली को हम और एक अंक में देखेंगे, जो कि यहाँ पर देखिए 2 का फैमिली 7 का अंक, ठीक है, इसको हम और एक अंक में देखेंगे। तो अभी देखिए 4 अंक निकल गया है, तो इसका मतलब लाइन पूरा हो गया है। तो अभी हम इन सबको कट कर देते हैं, क्लियर कर लेते हैं और गेम में देख लेते हैं कि स्ट्रॉन्ग ओडिसी में कौन सा जाएगा और नॉर्मल ओडिसी में कौन सा जाएगा, ठीक है। तो देखिए
तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए स्ट्रॉन्ग ओडिसी, स्ट्रॉन्ग ओडिसी में यहाँ पर देखिए 1 और 6 कांग जाएगा, और नॉर्मल ओडिसी में यहाँ पर देखिए 2 और 7 कांग जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिए आप लोग ओडिसी में क्या देखने को मिला। देखिए स्ट्रॉन्ग ओडिसी गेम में यहाँ पर देखिए 1 और 6 कांग देखने को मिला है, और नॉर्मल ओडिसी गेम में यहाँ पर देखिए 2 और 7 कांग देखने को मिला है, ठीक है। तो देखिए ओटीसी का तो हो गया है, तो अभी मैं आप लोगों को साथ में कुछ जोड़ी भी दिखाऊंगा। तो अभी यहाँ पर देखिए जोड़ी में यहाँ पर देखिए क्या क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए होगा 14 का जोड़ी, उसके बाद होगा 16 का जोड़ी, और होगा 64 का जोड़ी, 66 का जोड़ी, उसके बाद होगा 24 का जोड़ी, 26 का जोड़ी, उसके बाद होगा 74 का जोड़ी, और होगा 76 का जोड़ी, ठीक है। ये कुछ जोड़ी देखने को मिला है, देख लीजिए आप लोग जोड़ी में क्या क्या है, मैं और एक बार बोल देता हूँ, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए 14 का जोड़ी, 16 का जोड़ी, 64 का जोड़ी, 66 का जोड़ी, 24 का जोड़ी, 26 का जोड़ी, 74 का जोड़ी, और 76 का जोड़ी, ठीक है। ये कुछ जोड़ी देखने को मिला है, और देखिए आप लोग जोड़ी को नॉर्मली करके ही देखिएगा, ज़्यादा स्ट्रॉन्गली मत देखिएगा। और ओटीसी में यहाँ पर देखिए स्ट्रॉन्ग ओटीसी गेम में यहाँ पर देखिए 1 और 6 कांग देखने को मिला है, और नॉर्मल ओटीसी गेम में यहाँ पर देखिए 2 और 7 कांग देखने को मिला है, ठीक है। तो देखिए गेम देखने को मिल गया जो कि यहाँ पर 25 तारीख के लिए कल्याण के लिए गेम के बारे में है। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही था, वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।